बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट चने के कबाब बनाऊँगी। तो वाइट चने और आलू के कबाब बनाऊँगी मैं। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास उबले हुए वाइट चने हैं जिसको मैंने मैश कर लिया है। 1.5 कप मेरे पास चने थे जिसको मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको बॉयल करने के बाद मैंने मैश कर लिया। नमक इस्तेमाल करूँगी हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून और यहाँ पर मेरे पास गर्म मसाले का पाउडर है 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास एक टमाटर साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया। 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे पुदीने के पत्ते हैं जिसको चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें इसको मैंने चॉप कर ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर दूँगी आलू। सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर देंगे और फिर हम इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये भी शामिल कर देते हैं। अब जो है मैं इसको अच्छे से कर लूंगी मिक्स। ये देखिए अच्छे से जो है ना ये मिक्स हो गया है। अब जो है जो हमने इसके कबाब बनाने हैं, मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। थोड़ा सा बैटर लूँगी हाथों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हम आप साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, आपको किस साइज़ के बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए ये मैंने, अभी गिर जाता मेरा ट्राईपॉड नीचे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से ये कबाब बना लिए। चले जी, अब इसी तरह से जो है ना बाकी के कबाब भी बना लूँगी, और बना के जो है ना फिर आपको सारे कबाब मैं दिखाती हूँ। ये देखें सारे कबाब जो है मैंने बना लिए हैं यहाँ पर। अब जो है बस इन कबाब को मैं करूँगी अब फ्राई। तो बस इसको हम जो है ना फ्राई कर लेते हैं। देखें यहाँ मैंने पैन में ना ऑयल डाल दिया है कबाब को फ्राई करने के लिए। अब मैं ये यहाँ पर एक कबाब लूँगी, इसको डिप करूँगी अंडे के अंदर। इस तरह से अंडे के अंदर डिप करेंगे। मैंने एक अंडा लेकर उसको फेंट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्राई कर लेंगे इन कबाब को सारे। इसी तरह से मैं कबाब जो है वो डाल दूँगी। चलें जी, ये मैंने कबाब डाल दिए। बस मैं इनको अब फ्राई करूँगी ताकि जो है एक अच्छा सा इसके ऊपर जो है गोल्डन सा कलर आ जाए नीचे से। फिर हम इसके साइड को टर्न करेंगे। पहले एक तरफ से इसको मैं पका लेती हूँ। मैं अब इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ, एक तरफ से ये हो गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है। बाकी के भी चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए सारे कबाब मैंने पलट दिए हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसको मैं कर लूँगी। देखिए हमने आलू के, चने की दाल के, मटन के, इस तरह के कबाब तो खाए हैं। इस तरह से चने के और इस तरह से आलू के कबाब बना के खाएँ, आपको अच्छा लगेंगे। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी चावल बना लें, दाल चावल बना लें, उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। साथ में जो है मटर पुलाव बना है, चना पुलाव बना है, उसके साथ कबाब बहुत अच्छे जाएंगे। आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। बस मैं इस तरह से इसको ये यहाँ से फ्राई कर लेती हूँ दूसरी तरफ से भी। फिर जो है ना मैं इसको बाहर निकाल लूँगी जब कलर आ जाएगा। तो कबाब हो चुके हैं, दूसरी तरफ से भी इस पर कलर आ गया है। बस अब मैं इन कबाबों को बाहर निकालूंगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कबाब की रेसिपी को। मैंने वैसे मेरे चैनल पर आलू के कबाब भी हैं, साथ में क्रिस्पी कबाब की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। साथ में मैंने शामी कबाब बनाए थे, वो भी रेसिपी है मेरे चैनल पर। आप देखना चाहते हो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। वो भी बहुत मज़े के बने थे। ये भी कबाब बहुत मज़े के बने हैं, डिफरेंट है, बहुत मज़े के हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा चने की और आलू के कबाब को। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप साथ में आप रायता भी रख सकते हैं, मिंट चटनी बना के वो रख लें। मिंट चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगेंगे ये कबाब। तो
तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ट्राई करते पीछे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर को मंजूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।